I wake up every minute with a fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision, I don't need to see. फ्रेंड्स टू माई न्यू व्लॉग। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आज मतलब एक आप हम जो है एक ट्रिप में जाने वाले हैं, तो ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है एंड अभी मैं पहुंचा हूं मेरठ के बाईपास रोड पे हूं। क्या चीज़ इस बार हम करने आ रहे हैं, इस बार बड़ा डिफरेंट चीज़ करने आया हूं। कभी मतलब इतना लंबा ये मतलब जो एक ट्रैक है बेसिकली ये, तो कभी किया नहीं है, बट इस बार बहुत लंबा ट्रैक है ये एंड देखते हैं कि कैसे इसको कवर करते हैं और कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ इस पे मेरे चैनल पे एंड बाकी मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अभी चलो पहले चाय पी लूँ यार, थोड़ा सा नींद सा आ रहा है, पहले नींद को भगाया जाए नहीं तो सब नींद में आ जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट हॉल्ट दिया है, यहाँ पे हुआ है ज़रा ब्रेकफास्ट किया अपन ने, खाना वाना खा के अब अपन ज़रा आगे के लिए फिर से चल रहे हैं। ये देखो भाई। हाँ जी सेठ, क्या हाल है तुम्हारे? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, सुबह मजा आ रहा है। हाँ जी सही है। क्या भोजन कर लिया ना? भोजन कर लिया है। तो गाइस ये है अपना आम के बगीचे है भाई यहाँ पे, और आम का जो है ना भाई, देखो पहले अंबिया होती है, अंबिया को आम बनाना पड़ता है और ये हर कोई नहीं बना सकता। तपस्या और बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो देसी स्टाइल में खाना खाया भैया, फुल खटिया में बैठ के अपना आ गया है 90 किलोमीटर मोटा। तो अब 90 किलोमीटर के लिए फिर से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 90 किलोमीटर पहुंच नहीं पाएंगे। तो चलो जल्दी से बैठते हैं और भागते हैं यार अब 90 किलोमीटर, नहीं तो 4-5 किलोमीटर अभी और चढ़ना, अभी तो चढ़ाई चढ़नी है भाई। चलो जी भैया राहुल, ये धक्का दे के चल रहा है। अभी का प्लान क्या है हमारा, अभी हम यहाँ से गाड़ी में जाएंगे, आगे एक लोकेशन है वहाँ तक, उसके बाद वहाँ से हम अपने बेस कैंप तक ट्रैक करके जाएंगे। अभी पहुँचे हैं, बस थोड़ा सा हंसते गाते ही आए हैं, तो 11:30 अभी टाइम हो रहा है, अभी पहुँच गए हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद अपना सामान वामान लेके हमको चलना है। तो चलना कहाँ है मैं आपको एक बार नॉर्मल दिखा देता हूँ। तो आपको ये वाला लोकेशन दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ तक हमको गाड़ी ले जाएगी और उसके बाद हमको जाना है पैदल इससे भी ऊपर, और ऊपर का मौसम और ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत बढ़िया है। तो अभी चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। फ़ोन चार्ज है, पावर बैंक चार्ज है, सब कुछ चार्ज है, गाड़ी हमारी हमको सही सलामत यहाँ तक लाई है, एकदम मस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अपन थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का माहौल। तो ये पूरा चीज़ समझना है, कैसा है, क्या है, कितने रुपए का यहाँ पे ट्रैकिंग है, आपका कैंपिंग कितने का है, तो सब चीज़ें देखने के लिए आपको मेरे चैनल में बने रहना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपको मिलता रहेगा। अभी तक का सफ़र कैसा रहा राहुल भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे का सफ़र कैसा रहेगा? आगे के सफर में लगने वाले बट जहाँ पे जाने वाले वो क्या है जगह अभी बता देना सबको। नहीं वहाँ पे जाके बताएंगे। तो चलो आपको वहाँ पे जाके हम बताएंगे कि कौन सा लोकेशन है, तभी जाके आपको मजा भी आने वाला है। चलिए मिलते हैं भाई साहब। जिस लोकेशन में अभी अपन आए हैं ना भाई, बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक है भाई रास्ता यहाँ का। अभी आपको भी रास्ता दिखाते हैं हम, आपको जो दिखाया था ना अभी आपको नीचे से, उस तरफ हम आ गए, गाड़ी पीछे हमने पार्क कर दिया है, आपको दिख रहा होगा पीछे। अभी हमारे जो मित्र हैं राहुल, वो बैग लेके आगे चल रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं। ऐसे ही सबों की गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पे, सबों की गाड़ी ऐसी खड़ी रहती है यहाँ पे, और यहाँ का है वेदर, ये बहुत ऊपर है अभी हम, और ऑल द वे बहुत नीचे से मतलब वो जो देख रहे हो ना आप, उस साइड से हम ऑल द वे आए हैं। रिस्क लेना पड़ता है तभी जाके आपको मज़ा आएगा, तो नो रिस्क नो गेन। तो थोड़ा सा रिस्क लेके आना पड़ा अपने को,
चलो अब आगे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी पानी की बोतल मैं कैरी कर रहा हूँ, दोस्त कर रहा है मेरा डंडा और बाकी ये चीज़ें कैरी। भाई साहब ट्रैक बहुत ख़तरनाक है यार, एकदम ही बड़ा दुखदायी ट्रैक दिख रहा है, बड़ा दुखदायी ट्रैक है भाई। मतलब अगर इस हिसाब से कल रहेगा ना तो मुझे तो लग नहीं रहा कि 6 किलोमीटर ऐसे चल पाएंगे। ऐसा भी रास्ता हो तो ठीक है, टूटे टूटे पत्थर बहुत ज़्यादा है भाई, हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे बहुत। अभी तो पता भी नहीं कितना चलना है, और अभी सिर्फ कुछ ही मीटर चलेंगे, 100-200। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बहुत डेंस है भाई, बहुत डेंस जंगल है। सच बताऊँ अभी तक तो लग गए भाई वाट, ठीक है रेंग रेंग के चल रहे हैं, इससे पता चलता है स्टैमिना है 0। बस चल ही रहा हूँ कैसे भी करके, हालत बड़ा खास्ता हो चुका है और अभी भी चल रहा हूँ। राहुल का भैया स्टैमिना मानना पड़ेगा, राहुल चल रहा है मस्त अपने स्पीड पे, मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, वो मेरे से अभी भी कम से कम 200-300 मीटर आगे चल रहा है। स्टैमिना बनाना पड़ेगा यार, मिलवाता हूँ राहुल से अभी अगर रुक गया तो, नहीं तो डायरेक्ट कैंप आने वाला है, कैंप पे मिलवाता हूँ। अब तो हालत खास तो होगा, बट यहाँ पे ना बड़े मीठे मीठे मटर है यार, बड़े मीठे मीठे मटर आ रहे हैं। अपन अभी खाया, जो गाइड भैया है ना उन्होंने खिलाया, बड़ा मीठा मटर है भाई, बड़े मीठा मटर। अरे चल लूँगी तो गिर जाऊँगा भाई। रेंगते पेंगते पहुँच गया हूँ मैं टेंट पे, अब बस मुझे टेंट दिखने लग गया है, 100 मीटर के दूरी में अब मेरा टेंट पहुँच गया हूँ भाई। कैसे भी मुझे तो नहीं लगता कि भाई मैं मॉर्निंग वाला जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है ना वो कर पाऊँगा, बिकॉज मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रैक है ना यार बहुत बहुत लंबा, मतलब बहुत दूर का है। राहुल इधर आ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप अपनी चिक्स के साथ में घूम रहे, क्या हो गया? अरे हम चिक्स हो गए हमारा। हाँ। मैं बोल रहा हूँ ये 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है यही भारी भर गया मुझे तो लग रहा है। 2 किलोमीटर जो बोलने का था वो 4-5 किलोमीटर का है ना, और मुझे तो नहीं लग रहा भाई हम वो 6 किलोमीटर वाला भी कर पाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी मच फार भाई। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। तो अपन ना 2:30 बजे उठने वाले हैं, अपन चिल मारने आए हैं, तो अपन चिल मारेंगे, आराम से निकलेंगे, नेक्स्ट लोकेशन जाएंगे वहाँ पे फन करेंगे, बट नहीं होएगा। फाइनली 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 पहुँच गए भाई, ये रहे अपने तंबू, तंबू रहा और बाकियों के भी तंबू यही हैं। और तो भाई फाइनली पहुँच गए हैं, और ये रहा हमारा कैंप्स, यहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ वॉशरूम सब कुछ है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है यहाँ पे यार, ठीक है। और आप लोगों को भी बताऊंगा मैं कि यहाँ पे मैंने किसके थ्रू लिया है और क्या क्या है, वो सब डिटेल्स मैं डाल दूंगा। तो आप लोग जब यहाँ पे आओगे आपको वो सब सर्विसेज मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, और सब चीज़ें मैं जो है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और बाकी एमिनिटीज़ बहुत अच्छा है, लंच वंच डिनर में सब कुछ है, स्नैक्स मिलेगा, बॉनफायर मिलेगा, सब कुछ है। है राहुल कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया, मज़े आ रहे हैं। और यहाँ का वेदर कैसा लगा भाई? वेदर ठंडा हो रहा है अभी, पूरा है टेम्परेचर अराउंड 12 है ना, अभी 12 है, बट मोस्टली रात होते होते ये माइनस का माइनस में तक हो जाता है, क्योंकि कोहरा अगर देख रहे हो ना पीछे, कोहरा आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि वोरा आ चुका है तो कोहरा तो होगा ही होगा। जुगलबंदी देख रहे हो आप, जुगलबंदी कोहरा वोरा, तो इसके साथ एक और जुगलबंदी बनता है, बट वो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, वो देखो पीछे से हंस रहा है, वोरा पता है ना आपको? हाँ ठीक है, तो कैमरा जिनकी चिक्स है ना वो भी हंस रही है। हाँ ठीक है, तो बात ऐसी है यार,
कि मज़ेदार मौज है यहाँ पे भी, मस्त मज़ा आ रहा है। हर किसी का यहाँ पे अलग अलग कैंप्स लगे हुए हैं, जो जहाँ पे प्लेस करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारे वाला जो कैंप्स है वो इस साइड है, ठीक है। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, हम कल जो बोल रहे थे ना कि 6 किलोमीटर का जो ट्रैक है, 6-7 किलोमीटर का, तो वो कितने किलोमीटर में होने वाला है वो भी आपको दिखाऊंगा। बट उसके लिए मैंने भी मना कर दिया कि भैया मेरे बस की तो नहीं है, तो मैं, मेरा फ्रेंड जो है और इसका जो फ्रेंड आया हुआ है उसने भी मना कर दिया है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं, जो अभी तो नहीं होने वाला। अभी के लिए जो ये बोल रहे 3 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का था, बट हाँ बोल रहे ये लग नहीं रहा है इतना का था, ये ज़्यादा ही था ना है राहुल, ये ज़्यादा ही था जो हमारा था, चार पाँच किलोमीटर का तो था ही भाई जो हम, हाँ और भी स्टे भैया, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। मतलब अगर इससे ज़्यादा होता ना तो हो गया था ख़त्म, बट एनी हाउ हो के आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कल कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, और जगह का नाम है, ये है नाग टिब्बा, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कहाँ पे जाने की कल बात कर रहे हैं।